सिंगरौली पुलिस को नशीली दवा तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मादक पदार्थ की अवैध तस्करी को अंजाम दे रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गढ़वा थाना पुलिस को कुछ संदिग्धों के बनारस उत्तर प्रदेश से अवैध मादक पदार्थों को नौडी हवा के रास्ते होते हुए चितरंगी के तरफ से जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के निर्देश पर तत्काल टीम का गठन किया गया। पुलिस ने ग्राम नौडी हवा में चार आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 300 नग मादक पदार्थ कोडीन युक्त कफ सिरप कोरेक्स बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों का नाम पिनाक पांडे पिंटू, मंगलेश्वर बाबा, सौरभ द्विवेदी और अंकुर बताया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से भी थाने में प्रकरण दर्ज है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।